अब मैं स्टेज पे दावत देना चाहूंगा हमारी तीन बहुत ही अच्छी अदाकारा, बहुत ही अच्छी इंसान है, एक्टिंग भी करती हैं, डायरेक्शन भी करती हैं, सबा हमीद, रुबीना अशरफ एंड इफ्फत उमर। नाम लो मेरे साथ। भाई मैं अपनी दोस्त को कैसे बोल सकती हूं? आपका नाम लेते हुए डर रहा है। नहीं नहीं, मैंने मालूम था कि जुगनू इफ्फत उमर का नाम हर कोई लेते हुए डरता है। कैसे नहीं हो सकता कि मेरा नाम आ गया? सबको ये बड़ा बायस लग रहा होगा क्योंकि मैं नहीं, मैं पहले बोलूंगी कि पीएमएलएन की मैं सपोर्टर हूँ, ओपन सपोर्टर हूँ, सब ये कह रहे होंगे एंड मैं इसको भी दे दिया है। आप लोगों ने बहुत अच्छी चीजें की है। एक चीज और कर दें, एक्टर्स की रॉयल्टी का कुछ कर दें। रुबीना इफ्फत, आपको सुन के खुशी होगी जो आखिरी कैबिनेट मीटिंग है हुई थी जिसमें अप्रूवल हुआ, उसमें आपकी आर्टिस्ट की और म्यूजिशियंस की रॉयल्टी जो है आईपीओ के तहत अप्रूव हो चुकी है। And now finally, last but certainly not least, we would like to request the Honorable Prime Minister of Pakistan, Mian Shahbaz Sharif, ke wo apne khayalat ka izhar kare. टेलीविजन में भी बहुत बड़े हिट प्रोजेक्ट्स दिए और फिल्म में भी सुपरहिट फिल्म्स दी। आप सबकी तालियों में नदीम बेग। Mr. The last award which I really want to announce here, जिसमें मेरी बहुत ज़्यादा मदद की पी टी वी अकेडमी को दोबारा से रिवाइव करने में और पी टी वी के अंदर जितना ये जो आर्टिस्ट की फ़ी स्ट्रक्चर रिविजन है, सुहेल अली खान साहब एम डी पी टी वी भी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन वन पर्सन हु इज़ रियली वर्कड हार्ड डे एंड नाइट, वनीज़ा अहमद साहिबा को। अस्सलामु अलैकुम, थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर। जो इस गवर्नमेंट ने करके दिखा दी है फाइनली, मैं इतना लंबी स्पीच नहीं लूँगी, आपका इतना टाइम नहीं लूँगी, गर्मी भी लग रही है और टेंशन भी हो रही है, भूख भी लग रही है। सो जो कर दिया, जैसे पी टी वी अकेडमी, मरियम साहिबा ब्रॉट मी ऑन बोर्ड टू रिवाइव द पी टी वी अकेडमी, जो लेगेसी थी पी टी वी की इतने सालों की, सुल्ताना आपा वहाँ से आई, मेरी मेंटोर शोएब साहब, सो फाइनली रिवाइव हो गया है। कि अगर इस्लामाबाद में कोई मीडिया साइंसेस के सच स्कूल्स नहीं थे, सो है वे स्टार्टिंग क्लासेस, चाहे आपने एक्टिंग करनी है या कैमरा सीखना है या प्रोडक्शन सीखनी है, सो दैट प्रोसेस हैज स्टार्टेड आल्सो। सो अ बिग हैंड ऑफ अप्लॉज फॉर द गवर्नमेंट टू फाइनली डू दैट। द एकेडमी हैज बीन रिवाइव्ड गाइस, फाइनली मैं उधर जाके एक्टिंग सीख सकती हूँ, प्रोडक्शन भी उधर ही से जाके सीखूंगी। सो थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर, थैंक यू। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी जो पिलर्स हैं फिल्म इंडस्ट्री के, अजमल चौधरी साहब और हसन अस्करी साहब, के वो प्राइम मिनिस्टर के पास तशरीफ लाएं और अवार्ड लें। ये लोग दो जो बुनियादें हैं फिल्म इंडस्ट्री की, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर सीट हटा दें तो ये खुद आ जाएं ऊपर। वासे आप भी प्लीज स्टेज पे आ जाएं।
अजमल चौधरी साहब और असन अस्करी साहब और वो जो हैं जी, मैं बोल रही हूँ उनकी लिस्ट में नाम है जी। बहुत तालियां जी, बहुत तालियां। और वो लोग जो फेमस भी होते हैं, पॉपुलर भी होते हैं, हम्बल भी होते हैं और ह्यूमिलिटी होती है, मैडम निशो जो पीछे बैठी हैं, उनसे दरख्वास्त करूंगी कि प्लीज स्टेज पर तशरीफ लाएं। I am extremely honored to receive this award. Thank you so much, Prime Minister Sahab, Shehbaz Sharif Sahab, Madam Aurangzeb, Mariam Aurangzeb. Thanks a lot. निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जाम पुरसोस, यही है रखते सफ़र मेरे कारवां के लिए। वी आर सो थैंकफुल टू यू, आपने हमारी फिल्म इंडस्ट्री को एक तशख्स दिया विच इज़ अमेजिंग। थैंक्स अ लॉट।